हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहता आलम। दोस्तों, ऑनलाइन होटल बुक करने के लिए ओयो, ट्रिबागो या आरएनबी जैसे साइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम साइट की बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि अनमैरिड कपल्स होटल में स्टे कर सकते हैं या नहीं, यानी होटल में जा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये मेरे पिछले वीडियो के कॉमेंट सेक्शन से मिला है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को जाके जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। आज का मुद्दा हमारा कि अनमैरिड कपल यानी जिनकी शादी नहीं हुई है, वो लोग होटल में स्टे कर सकते हैं या नहीं, यानी होटल में जा सकते हैं या नहीं। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कि एक लड़की है और एक लड़का है और उन दोनों की आपस में शादी नहीं हुई है, तो क्या वे होटल में रुक सकते हैं? उनका होटल में रुकना क्या ये लीगल होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जी हां, ये लीगल होगा। अब आप सोचेंगे कि जब अनमैरिड कपल होटल में स्टे करेंगे, होटल में रुकेंगे और किसी भी वजह से होटल के ऊपर रेड पड़ती है, तो उस केस में क्या पुलिस अनमैरिड कपल को अरेस्ट कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन हां भी हो सकता है, यानी पुलिस आपको अरेस्ट कर भी सकती है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर बाय चांस पुलिस आपको अरेस्ट कर भी लेती है और बाद में ये प्रूव होता है कि पुलिस वालों की ही गलती थी, तो क्या अनमैरिड कपल कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या अनमैरिड कपल होटल में स्टे कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है कि हां, अनमैरिड कपल होटल में स्टे कर सकते हैं यानी रुक सकते हैं, वो भी लीगली तौर पर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लीगली तौर पर अनमैरिड कपल होटल में स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई होटल बुक करते हैं, कोई रूम बुक करते हैं, तो वो रूम आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कहलाती है। चूंकि आप रूम में रह रहे हैं तो वो आपका प्राइवेट प्लेस हुआ, तो ऐसे में आप पर डे का रेंट पे कर रहे हैं यानी किराया दे रहे हैं। तो फिर आपके और होटल के मालिक के बीच एक लीज एग्रीमेंट बन जाती है। मतलब ये कि आपने रूम बुक किया हुआ है तो वो प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर रूम का आप रेंट पे कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने रूम एक दिन के लिए बुक किया, तो वो पूरा एक दिन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है। तो अगर कोई कपल मेजर है यानी बालिग है जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो वो दोनों होटल के अंदर जा सकते हैं, रह सकते हैं, ये पूरी तरह से लीगल है। आपने न्यूज चैनल में, पेपर में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा या सुना होगा कि लिविंग रिलेशनशिप जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वैलिड कर दिया गया है। और आपको बता दें कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो लिविंग रिलेशनशिप है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो अनमैरिड कपल है यानी लड़की और लड़का जो है, वो लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं इस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग। और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि अनमैरिड कपल होटल में स्टे कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने आपको क्लियरली जवाब दे दिया कि अनमैरिड कपल यानी लड़का और लड़की होटल के अंदर स्टे कर सकते हैं यानी रुक सकते हैं, बशर्ते उनकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। पर दूसरा सवाल ये है कि जब अनमैरिड कपल्स होटल के अंदर स्टे करेंगे यानी रुकेंगे, तो क्या पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सकती है या नहीं। तो इसका जवाब मैं बेसिकली दो पार्ट में देना चाहूंगा। पहला ये कि पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, दूसरा ये कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि पुलिस आपको अरेस्ट क्यों नहीं कर सकती है। तो इसे समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई होटल बुक किया और वहां के मैनेजर या रिसेप्शनिस्ट से कहा कि भाई हमें एक रूम चाहिए, तो फिर वो आपसे आपकी आईडी मांगेंगे, फिर आप अपनी आईडी दे देंगे, फिर आपके साथ जो लड़की होगी, जो लेडी होगी, उनकी आईडी आप दे देंगे, फिर वो आपसे पूछे कि आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप सच्चे तौर पर बता दें। अगर आप फ्रेंड हैं तो फ्रेंड लिखवाएं, या फिर किसी कंपनी में साथ काम करते हैं तो कलीग लिखवाएं, जो भी हो आप ऑनेस्टली तौर पर लिखवा दें। फिर वो अपने रजिस्टर में एंट्री करके आपको आपकी आईडी वापस दे देंगे और फिर रूम प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर आप अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी में कुछ भी करें वो आपका मैटर है, इसमें तीसरा कोई भी ताक झाक नहीं कर सकता है। लाइक अगर आप चाहें तो कलीग के साथ ऑफिस का भी काम उसमें कर सकते हैं, बीच में कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। हालांकि ओयो में मैंने खुद कॉल करके बातें भी की है और ये पूछा कि क्या अनमैरिड कपल होटल में स्टे कर सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने बोला कि सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सर बताइए कब बुक करवाना चाहते हैं, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई बुक वुक नहीं कराना है, मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इसलिए मैंने कॉल किया था। एक्चुअली मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ,
सो एज अ कंफर्मेशन के लिए कॉल किया था कि ओयो जो है वो अनमैरिड कपल के लिए रूम प्रोवाइड करती है या नहीं। तो ओयो जो है वो अनमैरिड कपल के लिए रूम प्रोवाइड करती है। तो खैर, अगर अनमैरिड कपल होटल में स्टे करते हैं और इसी सिचुएशन में पुलिस आ जाती है गेट पे, दरवाजा नॉक नॉक करती है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप दरवाजा खोलेंगे ही खोलेंगे। फिर पुलिस आपसे सवाल करेंगे कि आप दोनों कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप दोनों के बीच क्या रिलेशन है, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो आपको यहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है, आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है और ना ही हेकड़ी दिखानी है। पुलिस वाले आपसे जो भी पूछताछ करेंगे उसका सीधा सीधा आंसर देना है। लाइक अगर आपसे नाम पूछेंगे तो आपको नाम बताना है, लड़की का नाम पूछेंगे तो वो खुद बताएगी। फिर अगर रिलेशन के बारे में पूछेंगे तो आप अगर फ्रेंड है तो फ्रेंड बताएं, या फिर अगर किसी कंपनी में साथ काम करते हैं तो कॉलीग बताएं। फिर पुलिस आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्यों आए हैं। लाइक अगर आप अपने फ्रेंड को इंटरव्यू के लिए दिल्ली ले जा रहे हैं और मौसम खराब होने की वजह से आपको होटल में रुकना पड़ा तो वो बताएं, या फिर आप घूमने फिरने के लिए आए हैं तो वो बताएं। जो भी हो आप ऑनेस्टली तौर पर बता दें। पुलिस वाले आपसे जो भी नाम पता पूछते हैं वो आप क्लियरली जवाब दे दें। अगर आप नाम पता नहीं बताते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप पुलिस को नाम पता नहीं बताते हैं तो पुलिस के पास पूरी पावर आ जाती है आपको अरेस्ट करने का। क्योंकि सेक्शन 42 सीआरपीसी जो है वो यही कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता है, अपना नाम पता बताने से इनकार करता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाए। तो ऐसे में पुलिस वालों की पूरी राइट बनती है अरेस्ट करने का, बिना किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से। इसलिए अपनी तरफ से हर एक चीज क्लियर रखें। पुलिस वाले जो भी आपसे पूछताछ करेंगे उसका सही सही आंसर करें, सही सही जवाब दें, जितना ज्यादा हो सके उतना पोलाइटली तरीके से बात करें। और साथ ही साथ ये भी जरूर कहें कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। वो सारी चीजें हमने रिसेप्शन के रजिस्टर पे मेंशन किया हुआ है, आप चाहे तो वहां जाके चेक कर सकते हैं। अपनी पूरी तरफ से जस्टिफिकेशन देने के बाद भी पुलिस आपको डरा के, धमका के या पैसे की डिमांड करती है या फिर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पर अब सवाल ये उठता है कि पुलिस आपको किस विहा पे अरेस्ट कर सकती है। तो इसका जवाब है कि वो आप पे प्रोस्टिट्यूशन का चार्ज लगा के अरेस्ट कर सकती है, अगर उन्हें लगता है कि आप प्रोस्टिट्यूशन फैला रहे हैं तो। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वैश्यावृत्ति। तो पुलिस वालों के अकॉर्डिंग आप प्रोस्टिट्यूशन यानी वैश्यावृत्ति फैला रहे हैं, यानी आप माहौल खराब कर रहे हैं, आप समाज की शांति भंग कर रहे हैं, इसी के विहाप पे पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी की मदद से। दोस्तों एक्चुअल में जो प्रोस्टिट्यूशन होता है, वैश्यावृत्ति होती है, वो कुछ ऐसे होटल्स में होती है जो रेप्यूटेड नहीं है, जिनके मालिक गैर कानूनी काम करने वाले लोगों के साथ मिले होते हैं, जो गलत धंधे करते हैं जिसमें वैश्यावृत्ति भी शामिल है। जैसे मान लीजिए एक बंदा वैश्यावृत्ति का धंधा करता है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कुछ लेडीज होंगे, कुछ लड़की होंगे, और फॉर एग्जांपल वो 10 लोगों को हायर करके उससे पैसे लेकर होटल बुक करके दे देते हैं, तो इससे उसकी कमाई हो जाती है और फिर बाद में वो कुछ पैसे उन लड़की को दे देते हैं, कुछ औरतों को दे देते हैं। और अगर होटल का मालिक उसमें मिला हुआ है तो बीच में उसकी भी कमीशन हो जाती है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से प्रोस्टिट्यूशन यानी वैश्यावृत्ति का धंधा चलता है। तो इसी वजह से पुलिस जो है वो अनमैरिड कपल को शक के निगाह से देखते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं प्रोस्टिट्यूशन का चार्ज लगा के। इसलिए पुलिस जब आपसे पूछताछ करेगी तो आप अपनी बात अच्छी तरह से रखें और ये भी जरूर कहें कि हम लोगों की एज 18 प्लस है, हम लोग बालिग हैं और हम लोग अपनी मर्जी से यहां आए हैं। और अगर पुलिस वाले बोलते हैं कि आप अपने पापा से बात करवाओ तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे बात करें, क्योंकि होटल मैंने बुक किया है। तो इतनी सी बात बताने के बाद पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। बाई चांस अगर फिर भी पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है तो समझिए कि वो आप पे प्रोस्टिट्यूशन का चार्ज लगा के अरेस्ट कर रही है सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी की मदद से। तो फिर भी उस सिचुएशन में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने हाजिर किया जाएगा, फिर मजिस्ट्रेट साहब आपसे कुछ बात करेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, वहां पर अपनी बात अच्छी तरह से रखनी है A to Z। और यह भी जरूर कहें कि पुलिस वालों ने हमें इलीगल तौर पर अरेस्ट किया है, जबकि हमने अपनी पूरी जस्टिफिकेशन दे दी थी कि मेरा ये नाम है, इस लड़की का ये नाम है, हम लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, यहां होटल में क्यों गए थे। लाइक अगर आप किसी काम से आए हैं तो काम का नाम बताएं, या फिर घूमने फिरने के लिए आए हैं तो वो बताएं। सारी की सारी चीजें हमने पुलिस को बताई थी, फिर भी पुलिस वालों ने हमें अरेस्ट कर लिया, जबकि वहां हम लोग कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर रहे थे। हमने अपनी आईडीज रिसेप्शन पे भी दिखाया था और हमारी उम्र 18 प्लस है, हम लोग बालिग है और अपनी मर्जी से होटल में गए थे। अगर पुलिस वालों ने आप लोगों के साथ मिसबिहेव किया, लाइक गाली वाली दे दिए, तो वो भी चीज कंप्लेन में मेंशन करें। और ये भी जरूर बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप के लिए अलाउ किया है तो ये पुलिस वाले ऐसे कैसे मिसबिहेव कर सकते हैं। तो ये सारी बात मजिस्ट्रेट साहब को बताने के बाद पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करिए सेक्शन 166 और 166A ऑफ आईपीसी की मदद से।
सिंपल सा फंडा है। आप खुद ही सोचिए ना कि जब लिविंग रिलेशनशिप के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद अलाउ कर दिया है तो ये पुलिस वाले ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। तो ये पुलिस वाले ऐसे कैसे प्रोस्टिट्यूशन का चार्ज लगा के अरेस्ट कर सकते हैं? आप उनके चार्ज को चैलेंज कर सकते हैं सेक्शन 166 और 166 ए ऑफ आईपीसी की मदद से। पर अब सवाल ये उठता है कि उनके चार्ज को चैलेंज कैसे करें, यानी पुलिस वालों ने आपके ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का चार्ज लगाया हुआ है सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी की मदद से। तो उनके चार्ज को चैलेंज करने के लिए आप आरटीआई की कॉपी निकलवाइए। कहां से? होटल से। आप जिस होटल में स्टे किए थे उसी होटल के रजिस्टर पे आपकी सारी डिटेल मेंशन की गई थी कि लाइक आपका नाम क्या है, लड़की का नाम क्या है, आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आप लोग होटल में क्यों स्टे किए, किस डेट को किए, वो सारी चीजें रजिस्टर पे मेंशन की गई थी। तो फिर आरटीआई की कॉपी पे मोहर लगेगी और वहां के जो मैनेजर होगा वो सिग्नेचर करके वो कॉपी आपको दे देगा। फिर आपको क्या करना है कि उस कॉपी को कोर्ट में पेश करना है, सबमिट करना है, और साथ ही साथ ये बोले कि बताइए हमने कौन सा प्रोस्टिट्यूशन फैलाया है। जब आप इतनी सारी बात बताएंगे तो मजिस्ट्रेट साहब आपको रिहा कर देंगे और फिर पुलिस वालों के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। अब इस केस में क्या होता है कि पुलिस वालों को फाइन पे करना होगा या फिर लगभग 1 या 3 महीने तक का इंप्रिजमेंट मिलती है, यानी सजा। सच बोलो तो सजा वजा कुछ नहीं मिलती है, बस पुलिस जो है वो पर्सन को फाइन पे कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी की मदद से अरेस्ट किया गया था जो कि पूरी तरह से इलीगल है, और ऐसे में कपल का जो टाइम वेस्ट हुआ उसका क्या हिसाब रहा? तो इसके लिए आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आपका पूरा एक दिन बर्बाद हुआ है जो कि पुलिस वालों ने आपको इलीगल तरीके से अरेस्ट किया था। अब क्या है कि इलीगल डिटेंशन के लिए आप हाई कोर्ट 226 की मदद ले सकते हैं या फिर आर्टिकल 32 की मदद से आप सुप्रीम कोर्ट में रेट फाइल कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई रेट फाइल करेंगे तो कौन से करेंगे? तो आपको रेट फाइल करनी है हैबियस कॉर्पस की, कि भाई अपनी तरह से हमने पूरी जस्टिफिकेशन दे दी थी उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने हमें इलीगल तौर पर अरेस्ट किया था। तो आप हैबियस कॉर्पस की रेट फाइल करिए, फिर उस रेट फाइल के जरिए आप इलीगल डिटेंशन का उनको चैलेंज करेंगे कि हमें इलीगल तौर पर अरेस्ट किया गया था। तो फिर स्टेट की तरफ से आप कंपनसेशन पाने के 100% लायबल होंगे। जैसे मैंने बताया वैसे सारे इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो करेंगे तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार स्टेट की तरफ से कपल्स को कंपनसेशन मिल चुका है। आपको बता दें कि ऐसे ही केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आई थी 2019 में, खुशबू वी कनियावाल का केस था, जिसमें यह साफ साफ मेंशन किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप इंडिया में वैलिड है, यानी लीगल है, इलीगल नहीं है। अगर आप इसे और आसान शब्दों में समझे तो जो कपल्स होते हैं उनका पूरा फंडामेंटल राइट बनता है लिविंग रिलेशनशिप में रहने का, बशर्ते वो मेजर होनी चाहिए, यानी 18 प्लस से ऊपर होनी चाहिए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की वजह से कपल्स जो है वो लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अगर आप अनमैरिड कपल है तो ओयो वगैरह में जा सकते हैं, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, कब तक? जब तक कि आप नाम पता ना बताएं। अगर आप नाम पता नहीं बताते हैं तो सेक्शन 42 के तहत पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि उनका पूरा राइट बनता है आपको अरेस्ट करने का बिना किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से। अगर आप नाम पता बता देते हैं उसके बाद भी पुलिस अरेस्ट कर रही है तो समझिए कि वो आपको सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी की मदद से प्रोस्टिट्यूशन यानी वैश्यवृत्ति का चार्ज लगा के अरेस्ट कर रही है। तो आप वहां पे बोले कि यहां पे हम कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम कोई भी प्रोस्टिट्यूशन नहीं फैला रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो आप सेक्शन 166 और 166 ए ऑफ आईपीसी की मदद से पुलिस वाले के ऊपर कंप्लेन फाइल करिए। अगर आपकी गलती नहीं रहती है तो पुलिस को इंप्रिजमेंट होगी या पुलिस को फाइन देना होगा, और आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं, फिर आपका कंपनसेशन भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह समझ आ गया होगा कि अनमैरिड कपल होटल में स्टे कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट जाने का इंतजार रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मैदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी इसी तरह के वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।